इस बार चार धाम यात्रा में हो सकते हैं कई तरह के बदलाव। वीआईपी दर्शन के लिए लग सकता है शुल्क, आम लोगों के लिए हो सकती है टोकन की व्यवस्था। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाली मूर्तियों में दिखेंगी प्रभु श्री राम से जुड़े प्रसंगों की झलकियां। तेज गति से चल रहा है मूर्तियों को बनाने का काम। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ में होंगे कई भव्य कार्यक्रम। पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु। और IRCTC ने दिया शिव भक्तों को खास तोहफा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए लॉन्च किया विशेष पैकेज। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं चार धाम यात्रा की। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा के बाद से चार धाम यात्रा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार चार धाम की यात्रा के नियमों में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। इस बार VIP दर्शन के लिए शुल्क लग सकता है और साथ ही आम लोगों के लिए टोकन सिस्टम को भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए BKTC यानी बद्री केदारनाथ टेम्पल कमेटी की चार टीमें अलग अलग मंदिरों में निरीक्षण के लिए गई है ताकि नई व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सके। चार धाम यात्रा अप्रैल से शुरू हो रही है और ये बदलाव पिछले साल श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी कड़ी में राम मंदिर में अलग अलग जगहों पर लगने वाली प्रभु श्री राम के प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण तेज गति से चल रहा है। इन मूर्तियों के जरिए पूरी राम कथा दिखाने की तैयारी चल रही है। यहां पुत्रोष्ठी यज्ञ से लेकर राज्याभिषेक तक की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक सीता हरण के बाद समुद्र पार करने तक की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं। इन मूर्तियों को बनाने में सीमेंट, सरिया और स्टील तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में महाशिवरात्रि की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु बाबा सोमनाथ के चरणों में पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा कर सकेंगे। शास्त्रोक्त नीति नियम के अनुसार पवित्र मिट्टी से निकले मंत्रों से निर्मित शिव के पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा सामग्री सोमनाथ ट्रस्ट भक्तों को देगा। ये विशेष पूजा महाशिवरात्रि के दिन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक सोमनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होगी। महाशिवरात्रि से पहले IRCTC ने शिव भक्तों को खास तोहफा दिया है। दरअसल IRCTC ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए एक टूर पैकेज निकाला है। इस टूर पैकेज के जरिए शिव भक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भीमा शंकर सहित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाकर भगवान शंकर के दर्शन कर सकेंगे। इस पैकेज की शुरुआत 8 मार्च से होगी। साथ ही ये टूर पैकेज 12 रात और 13 दिन का होगा। इस पैकेज की शुरुआत मदुरई से होगी। वाराणसी से 108 कोरियन बौद्ध भिक्षु 43 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं। अपने इस यात्रा में सभी धर्मगुरु भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे। कोरियाई बौद्धों को इस यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही UP सरकार धर्मगुरुओं की यात्रा को पूरा सहयोग दे रही है। आपको बता दें कि ये यात्रा वाराणसी से शुरू होकर श्रावस्ती, नालंदा, बोधगया, राजगीर, कुशीनगर होते हुए कपिलवस्तु में इसका समापन होगा। वैसे तो 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा, लेकिन उससे पहले सभी देशों के मेहमान भारत की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में G20 मेहमानों का एक दल ताजनगरी आगरा पहुंचा। ताजनगरी में मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लेजर शो में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर गानों पर डांस कर कलाकारों ने कश्मीर से रूबरू कराया और पंजाब के भांगड़ा और गिद्धा ने विदेशी मेहमानों के साथ ही अन्य लोगों का मन मोह लिया।